अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सरदार उसामा सेल मैनेजर रजिस्टर्ड डीएचए कराची। ये वीडियो एयरवे लगूना कराची डीएचए सिटी कराची के लिए है कि क्या पोजीशन है इस वक्त साइट पे। थोड़ा मैं गया हुआ था, आज वीडियो नहीं बना सका वहाँ पर मैंने कहा अपने ऑफिस से लोगों को अपडेट कर दूँ। एयरवे लगूना जो डीएचए सिटी कराची का इस वक्त मेगा प्रोजेक्ट है, ना कि सिर्फ डीएचए सिटी कराची का बल्कि पूरे पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट है, जिसमें 70-80% ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट है, 20-30% आप कह सकते हैं इसमें पाकिस्तान लोकल इन्वेस्टमेंट है। और बहुत तेज़ी से अल्हम्दुलिल्लाह काम ऑन ग्राउंड स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है जैसा कि ड्रोन वीडियोस में आप देखते रहे हैं हाल ही में। और आज के दिन की बात करूं तो 15 से 20 मशीनरी वहां पे खड़ी हुई थी, और मुझे ऐसा लग रहा है जो फर्स्ट टावर है उसकी डिगिंग कर रही थी मशीनरी वहाँ पर। यह भी इंशाल्लाह ड्रोन वीडियो आएगी कुछ दिनों में तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बाकी ये कि अभी अच्छे बिल्डर के यही निशानी होती है कि पेमेंट आने से पहले ही काम स्टार्ट कर दें। इन्होंने माशाल्लाह दिसंबर 2020 से काम स्टार्ट किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह अक्टूबर 2021 है और कटिंग फिलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। फिलिंग की बात की जाए तो कम से कम भी मेरी हाइट है 5'8" 6 से 6.5 फीट की वहाँ फिलिंग की गई है कटिंग करके। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि 20-22 एकड़ का टुकड़ा है ये, उस पर फिलिंग करना, फिर लगून का पूरा व्यू कटिंग करना। और अभी मुझे ऐसा जो मुझे लगा महसूस हुआ कि फर्स्ट जो टू टावर हैं उसकी डिगिंग हो चुकी है वहाँ पे, जो कि मुझे ऐसा डाउट है क्योंकि एक जगह बहुत तेज़ी से 3-4 मशीनरी लगी हुई थी और डिगिंग हो रही थी, जो कि क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में, ड्रोन वीडियो जब आएगी। मज़ीद इसके हवाले से सेल परचेज़ अभी जो भी कर रहे हैं तो उनको मशवरा ये कि कम से कम भी इसकी थर्ड इंस्टॉलमेंट तक जाएं, क्योंकि थर्ड इंस्टॉलमेंट में इसकी कुछ अमाउंट एडजस्ट हो है, एडजस्टेबल है। उसके बाद एक अच्छा इस पर आपको रिटर्न मिलेगा और एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकेंगे, क्योंकि अभी इसके सराउंडिंग में ही आपको मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, अस्करी 6 भी आ गया है जो कि 2700 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट दे रहे हैं 2.70 करोड़ 3 ईयर के पेमेंट प्लान पे। तो टफ पेमेंट प्लान है बिल्कुल, 60-61 लाख रुपए से बुकिंग है। तो ये एयरवे लगूना के इन्वेस्टर्स के लिए और एंड यूज़र्स के लिए एक अच्छा साइन है। ज़ाहिर बात है उन्होंने एक अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट की है और सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि इसमें एस्कोर अकाउंट इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया हुआ है और DHA एयरवे का जॉइंट वेंचर है। जो ट्रांसफ़र का अमल स्टार्ट हो चुका है इस एयरवे लगूना के ऑफिस में, कोई ट्रांसफ़र कराना चाहे उनका यूनिट ट्रांसफ़रेबल भी है, उसकी फीसिस हैं वो आपको पे करनी पड़ेंगी, डिटेल इतनी कोई खास बड़ी फ़ीस भी नहीं है, यानी कि वन बेड के ट्रांसफ़र पे समझे 25 से 30 हज़ार रुपये के करीब खर्चा आता है। इसी तरह आपके बाकी जितने यूनिट होंगे उतना उसकी फीसिस बढ़ती जाएंगी। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिन्होंने चीज़ें ले ली हैं, मगर हमारी थोड़ी आवाम का मसला ये है कि वो एकदम से समझते हैं कि रात ही रात चीज़ें बढ़ जाएंगी, आज 5 लाख रुपए लगा दिए तो कल हम या एक महीने बाद हमें 10 लाख मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब जो हैं चीज़ें बहुत तरीके से चलती हैं, अब वो नहीं बात नहीं रही प्रॉपर्टी में जो पहले हुआ करती थी एक दौर में कि आज 10 की चीज़ लो कल 15-20 में बेच दो, वो नहीं है। चीज़ें बहुत ग्रेजुअली चलती हैं और बिल्ट अप कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका जो अच्छा वो कहते हैं ना फल खाने का टाइम होता है, वो होता है एंड में, या कम से कम चीज़ों का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए वो टाइम होता है अच्छा। चीज़ें अप भी होती हैं डाउन भी होती हैं, मगर मेन बात यह है कि आपने किस डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है, कौन बिल्डर है, क्या नाम है। जब आपके अगर DHA का नाम हो तो मैं समझता हूँ कि आपको सब टेंशनों से फ्री हो जाना चाहिए। और उसके अलावा एस्क्रो अकाउंट अगर कोई डेवलपर इंट्रोड्यूस करा देता है जो कि फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ओवरसीज़ क्लाइंट ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि फिर उनको बिल्कुल टेंशन नहीं करनी चाहिए कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो कितना सेफ एंड सिक्योर है। बाकी इसका अभी एक्सपो होने जा रहा है नवंबर की पहली 2-3 तारीखों में, जो दुबई में क्लाइंट है वो एक्सपो सेंटर में आप इनके स्टॉल पर भी जा सकते हैं। और इसके अलावा ये एप्लीकेशन बना रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों की क्यूरीज आ रही थी कि हमें हमारी इंस्टॉलमेंट की अपडेट नहीं आ रही, जो कि वो अगर इनको ईमेल करते हैं तो उनकी तरफ से रिप्लाई आ जाता है। जब एप्लीकेशन बन जाएगी तो उसमें भी आप ये चीज़ देख सकेंगे, आपको अपडेट मिलती रहेगी कि हाँ आपने इतनी इंस्टॉलमेंट पे कर दी है और अभी ये आपकी रिमेनिंग रहती है। तो मज़ीद इसके अलावा हवाले से कोई भी आपको सेल परचेज़ करनी हो मेरे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँची रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।